रेवाड़ी की कर लेते हैं। रेवाड़ी में अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चला है। अवैध रूप से बनी दुकानों पर ही कार्रवाई हुई है। नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आई है रेवाड़ी से, जहां पर अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चला है, यानी कि जेसीबी से कार्रवाई हुई है। ये तमाम जो दुकानें जिन पर कार्रवाई हुई है, ये अवैध रूप से बनी थी और नगर परिषद को जैसे ही जानकारी मिली इन दुकानों के बारे में, उसके बाद नगर परिषद ने देखिए पहले नोटिस दिया, उसके बाद जाकर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए ये तमाम दुकानें और एक एक करके इन दुकानों को तोड़ा गया है और इस अवैध निर्माण पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है। अवैध रूप से इन दुकानों का निर्माण किया गया था। इस खबर पर और जानकारी लेंगे सहयोगी नवीन शर्मा से। नवीन, ये दुकान कब से बनी हुई थी और क्या इनको पहले नोटिस दिया नगर परिषद ने और इनकी तरफ से क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई कि हम इन दुकानों को हटा दें खुद? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी बताना चाहूंगा कि लंबे समय से नगर परिषद कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पहले जो पिछले समय पर रेलवे रोड पर बनी इसके साथ की जो दुकानें थी उन पर जब अतिक्रमण हटवाने के लिए जब टीम पहुंची थी तो वहां पर ये जो दुकानदार बचे थे इन्होंने स्टे दिखा दिया था कि कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, जिसके बाद इन तीन दुकानों को छोड़ दिया गया था और आखिरकार अब ये कोर्ट से स्टे हटने के बाद एक बार फिर अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची और आज तीन दुकानों को फिर से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि सबसे व्यस्तम ये रोड रेलवे रोड माना जाता है रेवाड़ी का, जिसपे लगभग 90 फुट चौड़ा रोड है, लेकिन दोनों तरफ से दुकानदारों ने 20-20 फुट कब्जा कर लेते हैं, भार सामान लगाते हैं, जिसके कारण संक्रिय वो रास्ता हो जाता है और जाम जैसी स्थिति बनती है और इसी से निपटने के लिए अब नगर परिषद रेवाड़ी सतर्क नजर आ रही है। नवीन, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लगातार देखिए तस्वीरों में साफ मालूम चल रहा है किस तरीके से जेसीबी ने कार्रवाई करी है। ये लगभग कितनी दुकानें हैं? बिल्कुल, ये लगभग 7 से 8 दुकानें थी जिस पर पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब पहले कार्रवाई की गई थी उस टाइम पे कोर्ट का स्टे दिखा करके ये रोक दिया गया था और अब इन तीन दुकानों को भी इन्होंने स्टे लिया हुआ था और अब स्टे हटा दिया गया है, अब इन्होंने ध्वस्त कर दी है ये दुकानें। बिल्कुल नवीन, देखिए प्रशासन ने इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। संदेश भी जाता है उन तमाम अवैध निर्माण करने वालों के ऊपर कि वो आगे से ऐसा अवैध निर्माण ना करें। फिलहाल आपका शुक्रिया इस खबर के बारे में बताने के लिए, हमको अपडेट देने के लिए।